आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में और आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, हो सके इस वीडियो को देखने के बाद 4 से 5 महीने के अंदर बहुत जन का जॉब लग जाए, बहुत ज्यादा चांसेस है। मैं एक एक चीज बहुत सच्ची कड़वी सच्चाई आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। और हाँ, कम से कम एक ईमानदार स्टूडेंट्स होने के नाते इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा उनके साथ जिनके बलबूते पर उनके परिवार का बहुत सारा सपना जुड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारा परिवार है जो बहुत सारा सपना अपने घर का कंडीशन को देखते हुए बहुत सारा सपना देख रहा है अपने बच्चों के बलबूते पर कि ये एग्जाम निकालेगा तो मेरे घर में ये होगा, शादी होगा, ये हो, बहुत कुछ। तो उनके साथ शेयर करिएगा और उनके लाइफ को बचाइएगा और हो सके बहुत जन का जॉब 4 से 5 महीने के अंदर लग जाए। कड़वी सच्चाई बताऊंगा। एक्चुअल में हुआ क्या, कल कुछ स्टूडेंट्स मिलने आए थे और बोल रहे थे भैया एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी का, जैसे आप सभी कर रहे हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने बोला बताइए तैयारी कैसा कर रहे हैं, तो बहुत सारा कॉपी था, मैंने देखा बहुत सारा नोट्स उन्होंने बनाया है, रीजनिंग का, मैथ का, करेंट अफेयर का, एक एक नोट्स, जीके का एक एक नोट्स। मैंने बोला इतना मेहनत आप सभी कर रही हैं, आपको पता है आप क्या कर रही हैं? तो उन्होंने बोला सर मुझे घर से और 1 साल का समय मिला है तैयारी करने के लिए। मैंने बोला आप एक बात बताओ, आप सभी भी सोचना अपने ऊपर, एनटीपीसी का फॉर्म कब निकला था? तो आप बोलेंगे भैया फरवरी के 2019 वाले महीने में। अभी क्या चल रहा है? तो आप बोलेंगे भैया अभी मार्च का ना 2020 चल रहा है। मैंने बोलूंगा आप 1 साल ऑलरेडी बर्बाद कर चुके हैं, हालांकि आपने बर्बाद नहीं किया है, रेलवे ने आपका ये 1 साल बर्बाद किया है। और ये समय ऐसा होता है कि एक बार जाने के बाद दोबारा नहीं मिलेगा, और 30-32 साल होने के बाद भूल जाओ, फिर वही आपको जो करना है करिए। यानी रेलवे कहीं ना कहीं आपको बर्बाद कर छोड़ेगा। बहुत सारे करोड़ों स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हैं और रेलवे उनको बर्बाद कर रोड पर लाकर छोड़ देगा। फिर आप अपना समझो, सच्चाई बता रहे हैं। गाली देने वाले देंगे, समझने वाले समझेंगे, मैं बताऊंगा भी आपको करना क्या है। अब मान लो उन्होंने बोला सर मुझे घर से और 1 साल का समय मिला है, उसके बाद घर वाले शादी कर देंगे वगैरह वगैरह। मैंने ये बोला एक बात समझिए, 1 साल तक आपका टाइम बर्बाद हो गया एनटीपीसी के पीछे, आप सभी समझिएगा मेरा बात। अब देखो मान लो अगर रेलवे जैसे जैसे बोल रहा है, अभी अलग उल्टा फुल्टा विज्ञापन आ रहा है, अगर उसके मायने भी समझा जाए और उसके बेस पर अगर मान ले कि एग्जाम तब 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 होगा, या फिर आप एक बात और समझिएगा, ऑनलाइन टीचर जो है अपना कोर्स बेचते रह जाएंगे, अब दर से उनका कोर्स खरीदते रह जाएंगे, एग्जाम डेट के नाम पर व्यू किसी का बढ़ाते रह जाएंगे, यही सब होगा, सब राजा हो जाएगा, स्टूडेंट जो है वो मर जाएगा। सच्चाई बता रहे हैं, ठीक है। आप देखो अगर रेलवे की ही बात सुन ले और मान ले कि जून जुलाई में अगर उनके अनुसार एग्जाम हो जाए, जून जुलाई 2020 में एग्जाम कितने दिन तक चलेगा आप बताओ। तो आप बोलेंगे भैया अगर ग्रुप डी 18 वाला को देख ले तो एग्जाम मोटा मोटी 2 से 2.5 महीने भैया चलेगा ही चलेगा, ये आप सभी बोलोगे। तो अगर यहां से 2.5 महीने मान लिया जाए 2.5 महीना जुलाई अगस्त सितंबर, कब तक रिजल्ट आएगा? 1 महीने में 2 महीने में? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं भैया, रेलवे का रिजल्ट कम से कम 3-4-5 महीने के बाद आता है, हम लोग ग्रुप डी ALP को देख चुके हैं। हम बोलेंगे अगर मान लो सितंबर तक आपका एग्जाम हो जाता है, मान लो CBT 1 का एग्जाम हुआ है, ग्रुप डी वाले भी अपने ऊपर ले लेना, कड़वा सच्चाई बता रहे हैं। मान लो हो गया रिजल्ट आते आते 3 महीने में रिजल्ट हो गया, सरकार इतना अलर्ट हो गई, इतना समय बर्बाद करने के बाद छात्रों का इतना जागरूक हो गई कि अचानक क्या की फॉर्म फटाफट एग्जाम करवा कर 2020 तक पूरा CBT 1 का रिजल्ट निकाल दी, उसके बाद ग्रुप डी भी लाइन में है। अब बच्चे बोलेंगे CBT 2 मत करवाइए, पहले ग्रुप डी करवाइए। अगर ये पेच थोड़ा सा भी फंस गया, अगर मान लो ये पेच भी नहीं फंसा, ग्रुप डी भी नहीं करवाई, उसके बाद सरकार का मनसा क्या है CBT 2 करवाने का, लेकिन करवाएगी नहीं, वो बुलाती है मगर
वही बात है, सरकार करवाएगी नहीं पहले, उसके बाद ग्रुप डी पर हाथ मारेगी, वरना बच्चे फिर आंदोलन करेंगे। बहुत पेच है। अगर मान लो एग्जाम करवाती भी है सरकार, फिर डेट आएगा सीबीटी 2 एग्जाम होगा, उसके बाद 4-5 महीना और मानिए रिजल्ट आएगा। यानी 2020-21 में मान लो सरकार अच्छे से काम की और आपका सीबीटी 2 का रिजल्ट भी आ गया, मान लो एक साल तो लगेगा डेट निकालने में, एग्जाम कंडक्ट करवाने में, 3-4 महीना रिजल्ट आने में। आप कैलकुलेशन कर लो, 20 गया, 21 गया, 19 पूरा चला गया, 20 पूरा चला गया, 3 साल चला गया आपका। अब 22 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्या लगता है आपको एक महीना में सरकार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेती है? नहीं करती। आप देख लो अभी तक 2018 का जो एग्जाम हुआ, अभी तक ग्रुप डी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, देख रहे हैं ना। 18 में एग्जाम स्टार्ट हुआ था, 20 चलने लगा है, और यहां पर अभी तो एग्जाम स्टार्ट हुआ नहीं, 20-21-22 मान रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, हमेशा से बोल रहा हूं, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आप ना ये सब काम मत करिए, क्योंकि बहुत सारे परिवार का सपना जुड़ा हुआ है, आपको करना क्या है देखो नॉर्मल, आप ना एक काम करिए, आप कोई भी स्टेट में हो, पश्चिम बंगाल में हो, महाराष्ट्र में हो, केरला में हो, बिहार में हो, उड़ीसा में हो, गोवा में हो, बेंगलुरु, कोई भी राज्य में आप हो, हर एक स्टेट का बहुत सारा एग्जाम निकलता है, आप वो एग्जाम दो। और आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, आप जो एनटीपीसी का तैयारी किए हैं ना, इसके बलबूते पर आप वो एग्जाम दे सकते हैं। यानी एक एग्जाम का तैयारी किए भैया, उसके सहायता से राज्य में हर साल बहुत सारा जॉब निकलता है हर राज्य में। आप स्टेट लेवल का एग्जाम दो, आप एग्जाम ना 3-4 से 5 महीना में एग्जाम निकाल लोगे, पेपर जो है इससे इजी रहता है, आप विश्वास मानो। वेस्ट बंगाल की अगर मैं पर्सनली बात कर लूँ ना, तो बहुत सारा एग्जाम है, PCS ये थोड़ा एग्जाम थोड़ा टफ हो सकता है, या फिर मान लो वेस्ट बंगाल SSC का एग्जाम, या फिर मान लो इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम, या फिर मान लो आपका यहाँ पर कांस्टेबल का एग्जाम, कलकत्ता पुलिस का एग्जाम, बहुत सारा विभाग है उसका जॉब निकलता है। और यहाँ पर ना एक ही चीज पढ़ना है आपको, वही GK, वही GS, वही करेंट अफेयर, वही मैथ, वही रीजनिंग, जो आप यहाँ पर रेडी कर चुके हैं अपने आप को, आप तैयार हो, बस उसका यूटिलाइज करना आना चाहिए। आप रेडी हैं, आप रेडी हो चुके हैं एग्जाम के लिए, अब इसके बलबूते पर आप क्या कर सकते हैं आपको ये सोचना है। इसके बलबूते पर आप कोई भी एग्जाम तो निकल जाएगा। अब आप बोलेंगे भैया धांधली बहुत ज्यादा होता है स्टेट लेवल के एग्जाम में, आप बताओ सेंट्रल लेवल के एग्जाम में धांधली नहीं होता है क्या? हर एग्जाम में हुआ है, ग्रुप डी का एग्जाम में, ALP का, RRB, JEE का, फिर भी अगर धांधली नहीं होता तो शिफ्ट थोड़ी ना कैंसिल होता। जहां पर स्टूडेंट के द्वारा पकड़ा गया वहां शिफ्ट कैंसिल हो गया, जहां पकड़ा नहीं गया वहां सेटिंग काम कर गया, उसके बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट का जॉब लगा है जो मेहनत पे एग्जाम दिए हैं। तो स्टेट लेवल में भी सेम केस है, सेटिंग तो है लेकिन फिर भी आपका मेहनत रंग लाएगा, और आपको अपने मेहनत को जज करने के लिए आपको स्टेट लेवल में 15-20 एग्जाम मिलता है साल में, दो आप एग्जाम, बस आपको अलग से ना उस स्टेट के बारे में थोड़ा सा GK जो है वो अलग से पढ़ना पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है आप इतने काबिल तो बन चुके हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर स्टेट लेवल वाला GK आप पढ़ लोगे। और कुछ नहीं करना है, जितना आप पढ़े हैं उसी के बलबूते पर आप करो एक बार। एक्चुअल में होता क्या है, बहुत जन पता नहीं करते हैं, बहुत छात्र ऐसे हैं जो पता नहीं करते स्टेट लेवल में क्या फॉर्म निकला है क्या नहीं निकला है। आप जाओ पता करो अपने अपने राज्य में क्या क्या फॉर्म निकला है, उसका सिलेबस जब देखोगे सेम निकल कर आएगा, वही आपका GK, वही रीजनिंग। अगर पर्सनली बात करूं ना, मैं वेस्ट बंगाल का, कुछ दिन पहले मैं एक रिलेटिव के घर गया था, वेस्ट बंगाल SSC का एग्जाम दिया था, पेपर मैंने देखा ना यार, पेपर इतना आसान मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने बोला कतो कॉलेज हो, तो बोला दादा आमी तो 37 कॉलेज हूं। 37 मतलब आप 37 नंबर किए इतने आसान पेपर में, विश्वास मानो यार। मैंने बोला कट ऑफ कितना जाता है, तो बोला दादा आगे बोचो तो कट ऑफ गया छिलो 32-33 नंबर। आमी की बोलचो ऑटो कम, मतलब इतना कम नंबर गया था 100 में? बोला हां दादा इतना ही कम गया था। मैं बोला भाई पेपर आप इतना इजी नहीं कर पाए,
मैं आप लोगों को इतना रेडी कर चुका हूं, आप इतने काबिल बन चुके हैं ना कि स्टेट लेवल का एग्जाम के बारे में जाकर घर से निकलिए, आप एनटीपीसी के चक्कर में मत पड़िए, आप अपने ड्रीम रखो, आप बहुत तैयारी कर ली है, आप वही अभी भी डरे हुए हैं, वही वीडियो मैथ का देख रहे हैं, वही रीजनिंग का देख रहे हैं, क्या फायदा हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है? वो लड़की का जब मैंने मॉक टेस्ट देखा ना, मैंने बोला आप कहीं अपने आप को जज कर रही होंगे ना, जब आप इतना मेहनत कर रही हैं, जो कल आई थी तो बोला हाँ दादा मैं आपको मॉक टेस्ट देती हूँ। मैंने नंबर देखे तो 65, 66, 67, 70 उठ रहा है। मैंने बोला जब आपका इतना नंबर उठ रहा है तो आप फिर मेरा वीडियो रीजनिंग का मैथ का या किसी टीचर का क्यों देख रही हैं? आप डरी हुई हैं, उस डर को निकालिए और आप अब ये सोचिए इस तैयारी के बलबूते पे और आप कहाँ कहाँ पर हाथ मार सकती हैं। तो आप बहुत जगह हाथ मार सकते हैं अपनी स्टेट लेवल के एग्जाम में। बिहार की बात करें, कितना सचिवालय का, बेल्ट्रोन का, कांस्टेबल का बहुत सारा एग्जाम निकलता है, वहां पर दीजिए, टीचर का एग्जाम निकलता है बहुत सारा, आप वहां पर हाथ मारिए ना, वहां पर हाथ मारिए। आप बस इसको सपना लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं अपने साथ साथ अपने परिवार का भी मनोबल आप तोड़ रहे हैं। चीज को समझिएगा, आपके पास 3 साल का समय है अपने आप को रेडी करने का। एसएससी का एग्जाम के ऊपर देखो, फेस 8 का एग्जाम निकला है, 10+2 का एग्जाम होने, ये सब फॉर्म फिलअप करो। सेंट्रल लेवल में बहुत सारे स्टूडेंट पीछे पड़ते हैं, जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, यार स्टेट लेवल पर भी एक बार नजर डालिए। आपको लगता है कि आपके राज्य में जॉब नहीं निकलता है, हर राज्य में भर भर कर जॉब निकलता है, और आप काबिल है, आप एलिजिबल है, पता तो करो। बहुत जन क्या है ना, पता नहीं करते। एक बार मेरा बात सुनकर ना, जहां पर निकलता है रिक्रूटमेंट वगैरह, बहुत दुकान में जाकर पता करो, आपके राज्य में ना हर बार जॉब निकलता है। आप उस फॉर्म को फिलअप करिए, मॉक टेस्ट ले, बाजार में आपके स्टेट में बहुत सारा मॉडल पेपर मिलता है, लेकर देखिए कि कितना पेपर आसान, आप कितना कर पा रहे, उसका भी तैयारी करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पैटर्न पूरा अलग है, हर एक राज्य में वही पैटर्न है, वही जीके, वही जीएस, वही मैथ, वही रीजनिंग, सेम चीज है, बस आपको अलग से उस राज्य के बारे में थोड़ा पढ़ना है। तो आप ये गलती मत करो, आप कहीं ना कहीं अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और बहुत टीचर लोग बोलेंगे ये क्या बेवकूफ बना रहा है बच्चों लोगों को, हम लोग का कोर्स नहीं रोक रहा है, बिक्री नहीं हो कोर्स, अगर बच्चे ऐसे सोचने लगे तो। सच्चाई बता रहे हैं, टीचर राजा का राजा हो जाएगा, यूट्यूबर राजा के राजा हो जाएंगे, बर्बाद आप सभी हो जाएंगे, सच्चाई बता रहे हैं। तो कम से कम आप थोड़ा अपने माइंडसेट को चेंज करिए, आप इसके बारे में सोचिए, आप बहुत काबिल हैं, आप बहुत काबिल हैं, आप सेंट्रल लेवल के ऊपर लड़ रहे हैं और लड़कर 60-65 नंबर ला रहे हैं, अपने राज्य में लड़ो, वहां से आप निकल जाओगे, और एक बार जॉब मिलने के बाद उसके बाद लाइफ सिक्योर, उसके बाद सोचेंगे कहीं ना कहीं, वो तो देना ही देना है, ठीक है ना, लेकिन पहले कम से कम कहीं अस्थाई जॉब तो पकड़ लें। तो ऐसे कम से कम आप सब सोचिए, आपका जॉब बहुत जल्द लग सकता है। एक बार पता करो, अपने राज्य में बहुत सारा जॉब आता है, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं निकलता है, हर एक राज्य में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, अब बहुत जगह एलिजिबल है। फॉर्म फिलअप तो करो, लड़ो तो कम से कम वहां पर भी, इसी के सहायता से, अलग से मैं नहीं बोल रहा हूं, इसी के बलबूते पर लड़ाई कर सकते हैं आप, आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, बहुत जल्दी एग्जाम निकल सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत जन का सपना है एनटीपीसी और बहुत लोग बर्बाद होने वाले हैं इसके चक्कर में। तो कम से कम नाम लीजिएगा भैया, बहुत जन, मैंने बहुत जन को देखा है वहां से मूव करने के बाद स्टेट लेवल में बहुत जन का जॉब लग गया, तो आप भी ये कर सकते हैं, आप इतने काबिल बन चुके हो मेरे भाई। समझ रहे मेरी बातों को आप सभी?